आइए और जानकारी लेते हैं हमारे बीच में बी आर अम्बेडकर कॉलेज के प्रोफेसर अंजू। अंजू से हम जानकारी लेते हैं कि आज इनको 21 तारीख से 26 तारीख तक यहाँ हंगर स्ट्राइक पर बैठी हैं और लगातार बैठी हैं, तो उनको सरकार की तरफ से क्या आश्वासन है या जो जो समाज का नेतृत्व करते हैं उनका क्या योगदान है? अंजू जी, आप यहाँ 21 तारीख से लगातार बैठी हुई हैं, आपको सरकार की तरफ से क्या आश्वासन है? पहले आप बताएं आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे तो ये हैं कि एकदम करेक्ट रोस्टर आए, जिससे हमारी जो वैकेंसी है करेक्ट रोस्टर आए। करेक्ट रोस्टर एकदम। तो रॉन्ग रोस्टर कौन सा होता है? रॉन्ग रोस्टर जो अब चल रहा है। कौन सा चल रहा है? रॉन्ग रोस्टर ये 200 पॉइंट रोस्टर भी जो है वो गलत है, और जो 13 पॉइंट रोस्टर की जो ये लेटर आया है ये और भी ज्यादा गलत है। तो हमें तो करेक्ट रोस्टर चाहिए, जिससे हमारा रिप्रेजेंटेशन हो सके, एक्चुअली जो हमारा हक है। तो हमें तो करेक्ट रोस्टर, हमारी जो मांग है करेक्ट रोस्टर आए, जिससे एससी एसटी ओबीसी जितनी भी जो उनका रिप्रेजेंटेशन बनता है यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है वो उस यूनिवर्सिटी में उनको जो है हक मिले टीचिंग का। लेकिन आप जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हम प्रत्येक साल देंगे, तो उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दोनों काम तो हो गए, हो रहे हैं मतलब। अब उन्होंने जो है, हमारी तो मांग है कि भाई नौकरी भी दें, पढ़ाने से खाली काम नहीं चलता है, जब आपको रोजगार देना पड़ेगा। जब आप मैं कहती हूँ कि सबका साथ सबका विकास, तो जब आपने पढ़ाने तक ही सीमित कर दिया और नौकरी को आपने इंक्लूड ही नहीं किया अपने उसमें, तो फिर सबका विकास कैसे होगा? विमेन तो एक्सक्लूड रह ही गई ना। और आप कहते हो कि भाई नया भारत अम्बेडकर का भारत होगा, ये कैसा अम्बेडकर का भारत होगा जिसमें विमेन जो है वो एक्सक्लूडेड है? बस तो मतलब आप ये रोड पे बैठे हैं, तो आपने बताया कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ का, लड़की बचा भी रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं, तो आप ये रोड पे क्यों बैठी हैं आप? क्योंकि मोदी जी हमें रोजगार ही नहीं दे रहे हैं। रोजगार नहीं दे रहे हैं? रोजगार दे हमें। तो रोजगार आपको क्यों दे? क्या है क्या आपके अंदर ऐसी खासियत जो आपको रोजगार देते हैं? देखिए, जब क्योंकि भारत है इसमें जो डिप्राइवेशन है वो भी काफी लेवल पर है, तो उस डिप्राइवेशन को ओवरकम करने के लिए हमको जो रिजर्वेशन है, आप उसको एज ए रिजर्वेशन ना देखें, बल्कि रिजर्वेशन इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द सोसाइटी। इट इज अ मैकेनिज्म जिससे आप रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और वो किसी भी डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल पार्ट होता है। धन्यवाद।